एंड वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल फिलॉसफी सिंप्लीफाइड। इंडियन एथिक्स सीरीज में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म विहारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। क्लियर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक बुद्धिज्म का टॉपिक है जिसका टाइटल है ब्रह्म विहार। अब बुद्धिज्म की बात करें तो इस पर एक पूरा सेपरेट लेक्चर बना रखा हमने 50 मिनट्स का। तो अगर आप बुद्धिज्म के बारे में, फोर नोबल ट्रूथ क्या है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्या है, थ्योरी ऑफ नो सोल क्या है, या बुद्धिज्म की बैकग्राउंड समझना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप बाद में आप सुन सकते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म विहारा से। तो ब्रह्म विहारा मतलब क्या है? बेसिकली द टर्म और वर्ड ब्रह्म विहारा कम्स फ्रॉम द टू पाली वर्ड्स ब्रह्म एंड विहार। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? भगवान, सुप्रीम, हायर, है ना, हाइएस्ट और सुपीरियर बींग जो है। एंड विहार का मतलब क्या होता है? टू ड्वेल आर टू अबोर्ड आर टू लिव। क्लियर। विहार करना होता है ना, जैसे हम बोलते हैं रहना। ब्रह्म विहार का मतलब क्या हुआ? तो इट्स अ हाईएस्ट स्टेट ऑफ लिविंग, टू लिव इन अ हाई स्टेट। क्लियर। तो बेसिकली बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, दिस वर्ड रेफर्स टू द मेंटल स्टेट्स। क्लियर। जहाँ पे जो हायर वैल्यूज़ हैं, हायर क्वालिटीज़ हैं, वो अगर रहेंगी तो नेचुरली हम एक हायर लाइफ जी पाएंगे, जिससे हम जो हायर गोल्स हैं, स्पिरिचुअल गोल्स, उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्रह्म विहारा को देखें तो ये मतलब किनके लिए यूज़ किया जाता है? जहाँ ये जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं ब्रह्म विहाराज, मेंटल कैपेसिटी जो हैं, जो मेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये किसके होते हैं? ये बोधिसत्व के लिए टर्म यूज़ की जाती है। मतलब जो ब्रह्म विहार है, नॉर्मल ह्यूमन बींग, जो ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स है, वो ब्रह्म विहार को एक्सपीरियंस नहीं करता है। मतलब जो हायर क्वालिटीज़ है, सुप्रीम वैल्यू, सुप्रीम मेंटल स्टेट्स हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं करता। रादर ये कौन एक्सपीरियंस करते हैं? बोधिसत्व। अब बोधिसत्व कौन होता है? बुद्ध और बोधिसत्व में ये डिफरेंस है कि बुद्ध जो है वो एनलाइटेड बींग है, जिसको निर्वाण मिल चुकी है। बट बोधिसत्व जो है वो टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है जो अभी लिबरेट नहीं हुआ है, बट ही इज़ वेरी क्लोज टू द प्रोसेस। क्लियर। वो निर्वाण के बहुत पास है। तो जब आप निर्वाण के बहुत पास होते हैं, जो आपका मेंटल बैलेंस होता है, जो मेंटल स्टेट्स होती हैं, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो मतलब बुद्ध जैसी होती हैं, और उन्हीं के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रह्म विहार। और जो है वो एक टेम्पररी स्टेट नहीं है कि आप कुछ टाइम के लिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मेंटली बैलेंस्ड हैं। ब्रह्म विहार वो स्टेट है जो आपकी मेंटल स्टेट्स हैं वो परमानेंटली मतलब सही हैं, एथिकल हैं, वर्चुअस हैं, मॉरल हैं। तो इसलिए मतलब जो ब्रह्म विहार की स्टेट में होता है वो टेम्पररी स्टेट में नहीं होता, अदर्स वो एक लिविंग स्टेट में होता है, मोमेंटरी स्टेट में होता है, और वो 24 घंटे मॉरल है, 24 घंटे एथिकल है, ना कि थोड़े से टाइम के लिए एथिकल है। क्लियर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे। विहारा का जो काफ़ी सारा मेंशन है वो हमें देखने को मिलता है जो पॉली कैनन्स हैं, बेसिकली दिग्ग निकाया, मंजिम निकाया, अनुगुत्र निकाया, इनमें काफ़ी इसका मेंशन मिलता है इस वर्ड का। मैंने खुद इस प्रोसेस को मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि जो ये वर्चूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, इनको हमें कल्टिवेट करना चाहिए, जैसे मैत्रेय, करुण, मुदिता, उपेक्षा। क्लियर। इनको वो काफ़ी एसेंशियल मानते हैं कि जो मेंटल प्योरिफिकेशंस हैं, जो स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशंस हैं उसके लिए, जो एथिकल कंडक्ट है उसके लिए, है ना, जो मॉरल कंडक्ट है, वैल्यूज़ हैं, जो कंडक्ट है उसको गाइड करने के लिए, जो मेंटल मतलब जो फिजिकल कंडक्ट है, जो मॉरल कंडक्ट है, जो एथिकल कंडक्ट हमारा है, वो उसके लिए वो किस पे डिपेंड करेगा? बेसिकली हमारी मेंटल एबिलिटीज़ पे, मेंटल बैलेंस पे। जिस तरह से हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होगा, जो फिजिकल आउटकम्स आएंगे वो भी वैसे ही होंगे, बिल्कुल। क्लियर। तो अगर मेंटल लेवल पे हम बेटर हैं तो फिजिकल लेवल पे बेटर होंगे। तो जब हम फिजिकल और मेंटल में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे तो तब हम जो लिब्रेशन है, जो निर्वाण है, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। तो क्लियर, इसका रोल इस तरह से बताया गया है। ब्रह्म विहारास क्या है? बेसिकली मतलब जैसे डिवाइन इमोशंस। क्लियर। बेसिकली दे आर द स्टेट्स ऑफ माइंड्स, थॉट्स, इमोशंस, है ना, जिनको कल्टिवेट हम कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशंस। मतलब बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो है क्या है, अगर देखा जाए ब्रह्म विहारास, तो मतलब ये पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स हैं, जिससे इंसान जो उनको प्रैक्टिस कर रहा है उसको तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो जो उसकी सराउंडिंग में जितने भी लोग आएंगे, जितनी चीज़ें आएंगी, जितने बींग आएंगे, जितनी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस आएंगी, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो उन सब उससे मतलब बेनिफिटेड होंगे। मेंटल स्टेट्स को हम एक्वायर कर पाते हैं, ब्रह्म विहारास को एक्वायर कर पाते हैं, तो फिर बेसिकली होगा क्या? तो मतलब जो पर्सन होगा एकदम नाइस पर्सन होगा, गुड पर्सन, मॉरल पर्सन, एथिकल पर्सन, पर्सन फुल ऑफ वर्चूज़, वैल्यूज़, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की जो हेट है, इल विल है टुवर्ड अदर्स नहीं होगी। क्लियर। इसमें तो वो क्या होगा, मेंटल ट्रैंक्विलिटी फील करेगा, एक बैलेंस्ड माइंड फील करेगा। बट वही लेटर स्टेज क्या होगी, ब्रह्म विहारास जब हम फॉलो करेंगे
एनलाइटनमेंट, मोक्ष, निर्वाण, तो उस रास्ते पे आपको लेके जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं चार जो ब्रह्म विहारस बताए गए हैं और इनको सीक्वेंस में रखना आपने। फर्स्ट मैत्रा है, मैत्रा भी कहते हैं इसको, दैट मीन्स बेनेवोलेंस। सेकंड क्या है, करुणा, कंपैशन। थर्ड वन क्या है, मुदित, जॉय। और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज उपेक्षा। तो मतलब इनको आपने सीक्वेंस रखनी है इनकी। जैसे अगर आप यूजीसी नेट का पेपर की बात करते हैं जहाँ आप सिविल सर्विसेज में बैठे हुए हैं, तो आपको इनको याद रखना है कि पहली क्या है, मैत्र, करुण, मुदित और उपेक्षा, ये सीक्वेंस में रहते हैं। करते हैं फोर ब्रह्म विहारस, वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि किस तरह से इनको फॉलो करने से जो एक पीसफुल बैलेंस लाइफ है वो पॉसिबल है। क्योंकि जो इनका अगर टर्म मीनिंग ही देखें, जैसे मैत्र का मतलब क्या था, मैत्रया है ना, क्या मतलब इसका, बेनेवोलेंट होना, लविंग, काइंड होना। करुणा का मतलब क्या है, कंपैशन। मुदित का मतलब क्या है, सिंपैथेटिक होना, जॉयफुल होना। एंड उपेक्षा का मतलब क्या, इकोनॉमिटी। तो मतलब चारों की जो मीनिंग है वही एथिकल मीनिंग है, वर्चुअस वर्ड हैं ये। प्रैक्टाइज करेगा वो भी क्या होगा, वर्चुअस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं द फोर ब्रह्म विहारस, वन बाय वन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मैत्रा, दैट इज बेनेवोलेंस, दैट इज़ लविंग, दैट इज़ काइंडनेस। तो मतलब फर्स्ट क्या है कि जो एक बोधिसत्व होगा वो क्या होता है, वो अनकंडीशनल लव करते हैं। अब ह्यूमन, ऑर्डनरी ह्यूमन बींग बात की बात करें अगर हम, वैन वी लव समबंस वो क्या है, सर्टन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांस हैं इसलिए हम किसी को प्यार करते हैं। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा जब कोई किसी का प्यार क्या होगा, अनकंडीशनल होगा। अगर पेरेंट्स की भी बात करें, फॉर एग्जांपल एक सर्टेन एज में आप पहुंच के हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो शायद कोई ही पेरेंट्स ऐसा होगा जो अपने बच्चों को प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वाइफ भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी मदर भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, सोसाइटी भी रिस्पेक्ट करेगी आपकी। बट अगर सर्टेन सर्कमस्टांसिस की वजह से आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो सोसाइटी है, ऑर्डनरी वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो हम बेनेवोलेंट नहीं हैं देखा जाए, तो हमारा जो लव है इट डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन सर्कमस्टांसेस। बट जो एक बोधिसत्व होता है उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, उसका जो लव है एकदम क्या होता है, अनकंडीशनल लव होता है, सेल्फलेस लव होता है, दैट सीक्स हैप्पीनेस एंड लव फॉर अदर्स। वो हमेशा यही चाहेगा कि दूसरों को खुशियाँ मिलें, दूसरों को क्या मिले, प्यार मिले। अनलाइक ऑर्डनरी लव्स जहाँ पे क्या अटैचमेंट्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे लव क्या सब्जेक्टिव हो जाता है ना। बट व्हेन इट कम्स टू बेनेवोलेंट बीइंग और बोधिसत्व, उनका लव क्या होता है, यूनिवर्सल। यहाँ पे वो किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी के साथ, मेल है, फीमेल है, एनिमल है, बर्ड है, प्लांट है, वो सबके साथ बेनेवोलेंट होते हैं। मतलब ऑल लविंग बोलते हैं ना, गॉड क्या है, बेनेवोलेंट बीइंग होता है। तो गॉड ऑल लविंग हो सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। हम इंसानों को प्यार करेंगे, जानवर को नहीं करेंगे, जानवर को रुक करेंगे, इंसेक्ट को नहीं करेंगे, इंसेक्ट को करेंगे, प्लांट्स को नहीं करेंगे, प्लांट्स को करेंगे तो किसी और स्पीशीज़ को नहीं करेंगे। तो मतलब हमारा लव जो है वो सब्जेक्टिव रहता है चीज़ों में, हमेशा कभी भी उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है। बट व्हेन इट कम्स टू द बोधिसत्व एनलाइटेंड बीइंग्स और जहाँ हम ब्रह्म विहारा की बात कर रहे हैं, तो वो जो उसका फर्स्ट करैक्टर है, फर्स्ट मेंटल स्टेट है कि वो उसका पूरा दिमाग प्यार से भरा हुआ, सिर्फ ऑल लविंग। क्लियर? सेकंड ब्रह्म विहारा क्या है, करुणा, दैट स्टैंड फॉर कंपैशन। कंपैशन कब राइज होता है, व्हेन वी हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो दूसरों के दुख हैं, दर्द हैं, जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, जब एक जो दर्द किसी के साथ हम बांटने की कोशिश करते हैं, क्लियर, जब किसी हम कोशिश करते हैं किसी का दर्द कैसे कम किया जाए, किसी की पेन कैसे कम की जाए, कि करुणा या कंपैशन जो है, दैट डज नॉट मीन पिटी और सिंपैथी। आप जब कंपैशनेट हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पे दया कर रहे हैं किसी की मदद करके। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कंपैशन करते हैं, तो वहाँ पे ईगो है, और जहाँ ईगो होता है वहाँ पे कंपैशन होता ही नहीं है। प्योरिटी पावरफुल की फीलिंग आएगी और ईगो आएगा। सो जब हम समझने की कोशिश कर, अब जब हम कंपैशनेट होंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो सफरिंग है ना, जो पेन है, इसका रूट कॉज क्या रहता है, इग्नोरेंस, अटैचमेंट्स। सेकंड ब्रह्म विहार है, दैट इज़ करुणा कंपैशन। तो इसका सेंट्रल एम ही क्या होता है कि आप दूसरों के दुख दर्द उनसे बांटते हैं
उनकी हेल्प करते हैं एलिवेट होने में, क्लियर। जो सफरिंग है, जो पेन है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, की बात करेंगे। यहाँ की जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारा जो अप्रोच है, वो हमेशा यूनिवर्सल होनी चाहिए। सिर्फ इंसानों के साथ कंपैशनेट हो जाएंगे अगर आप फॉर एग्जांपल उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनकी सफरिंग को समझने की कोशिश करते हैं, बट उतना ही समझने की ज़रूरत है जानवरों को, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी, क्लियर। कंपैशन का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ इंसानों के साथ कंपैशनेट रहें, जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, हर चीज़ से जेंटली ट्रीट करिए, दैट इज़ कंपैशन इन ट्रू सेंस। थर्ड वन इज मुदित, दैट इज जॉय। तो मुदित वो मेंटल स्टेट है जब आप जॉय फील करते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है सच में अंदर से, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए, जब आप दूसरों के साथ उनकी खुशियां बांटते हैं, क्लियर। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आप सच में दिल से अच्छा महसूस कर रहे हैं, दैट इज मुदित। इज एबिलिटी टू फील द जॉय फॉर द सक्सेस, हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स, क्लियर। इट इज़ अपोजिट ऑफ जेलेसी, जेलेसी में आप ऐसा नहीं करते हैं, जेलेसी में मुदित नहीं होती है। दिस एबिलिटी जहाँ पे आप दूसरों की जो खुशियाँ हैं बांटते हैं, है ना, दैट डेवलप द सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस रादर देन डिफरेंट, कि हम अलग अलग हैं, ये नहीं होता। मुदित अगर आप में, आपकी मेंटल स्टेट मुदित में है, है ना, अगर आप उस स्टेट को अचीव कर चुके हैं तो आप क्या होंगे, आपको लगेगा सारे इंटरकनेक्टेड हैं, जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे, सबकी जो हैप्पीनेस है उनको सेलिब्रेट करेंगे, जैसे आप अपनी करते हैं। फर्स्ट ब्रह्म बिहारा इज उपेक्षा, दैट इज इकोनॉमिटी। तो दिस रेफर्स टू द ए बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड और इमोशनल स्टेबिलिटी, जब आपका दिमाग जो है एकदम बड़ा स्थिर है, मतलब स्टिल है, काम है, कल से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाएगी, बहुत से बहुत सिचुएशन आ जाएगी, तो मतलब जो आपकी इंटीग्रिटी है ना, जो कामनेस है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई भी सिचुएशन। जो आउटर सिचुएशंस हैं वो आप पे कंट्रोल, आपको कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, रादर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो मतलब सक्सेस है, फेलियर है, अप्स और डाउन्स है, प्रेज और ब्लेम है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एबिलिटी आप में डेवलप कब होंगी, जब आपको ये समझ आएगा कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। फिर आप जो ओवर रिएक्ट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता और ऑटोमेटिकली क्या आता है, बैलेंस, दैट इज़ उपेक्षा। और ये कब पॉसिबल होता है, जब आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है बड़ी ज़्यादा हाई होती है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये थी चार ब्रह्म विहाराज, जो एक बोधिसत्व का जो मेंटल स्टेट्स हैं वो इस तरह से होती हैं, उसमें मैत्रेय होती है, उसमें करुणा होती है, उसमें मुदित होती है और उसमें अपेक्षा होती है। तो वो ऑटोमेटिकली बुद्ध की तरह ही बिहेव करेगा, जिसमें ये जिसका जो मेंटल स्ट्रक्चर है इस तरह से होगा। कंक्लूड करते हैं इसको, तो मतलब अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अगर हम बात करें ब्रह्म विहाराज को क्या कंसिडर किया जाता है, मतलब उसको एथिकली और जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं और वहीं पे उसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन में भी और एथिक्स में भी। जो क्वालिटीज़ हैं, जो मतलब उनको हम कल्टिवेट करके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बिल्कुल फ्री कर सकता है, जो हमारे दिमाग में दूसरों के प्रति जो जैसे इल विल, क्रुएलिटी, जेलेसी, अटैचमेंट्स, एक्टिव वैल्यूज़ हैं, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको क्या कंसीडर किया जाता है, एंटीडोट कंसीडर किया जाता है। जैसे जो एक पर्सन ब्रह्म विहाराज को फॉलो करेगा, जो इन चार जो ब्रह्म विहाराज हैं उनको जब कल्टिवेट कर लेता है, इन वर्चूज को, तो उसमें तो एंगर, हेटर, डिल्यूजन्स जैसी जो चीज़ें हमें दुख का हमारे जो कारण हैं, है ना, अटैचमेंट्स का कारण है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो जब ये चीज़ें आप प्रैक्टाइज करेंगे, कंडक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एथिकल होगा, मॉरल होगा, और जो आपकी स्टेट्स ऑफ माइंड हैं वो भी एथिकल होंगी, मॉरल होंगी और सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड्स होंगी बुद्ध की तरह। तो ऑटोमेटिकली आप निर्वाण के रास्ते पे चल सकते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।